नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। बॉलीवुड का उभरता सितारा सुशांत सिंह राजपूत ने कल इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें उनकी मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। कल उनका परिवार मुंबई पहुंच गया है और आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होना है। सुशांत सिंह राजपूत के पास वो सब कुछ था, नाम, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो किसी दूसरे के लिए महज एक ख्वाब है। 34 साल की उम्र में उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो किसी दूसरे के लिए सोचना भी नामुमकिन है। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी। उन्होंने अपनी हर फिल्म में नेवर गिव अप का मैसेज दिया, लेकिन असल जिंदगी की जब वो खुद हार गए। पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। कोरोना से जंग लड़ने के लिए उन्होंने पीएम केयर्स फंड में 1,20,00,000 रुपए डोनेट किए थे। जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसका उन्होंने 12,90,000 रुपए डिपॉजिट दिया था और हर महीने 4,51,000 रुपए रेंट देते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी जिंदगी में नाम, दौलत, शोहरत को लेकर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। टीवी से उन्होंने शुरुआत की और बॉलीवुड में इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमाया। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन कुछ फिल्में अभी भी ऐसी हैं जिन्हें वो अधूरा छोड़कर चले गए, जैसे राइफल मैन, पानी, दिल बेचारा और 22 एपिसोडों की एक सीरीज। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है। पर्दे पर उनकी जिंदगी कितनी रंगीन थी, लेकिन असल में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें मौत की तरफ धकेल दिया। देखिए इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिनका शव कल उनके मुंबई स्थित घर में फंदे से लटका मिला, आज उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उनकी मौत की वजह दम घुटना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी के चलते दम घुटने से हुई है। शुरुआती रिपोर्ट में किसी प्रकार के जहर या मौत का अन्य कोई कारण नहीं बताया गया है। हालांकि सुशांत के शव का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। एक्टर की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर फिल्मी सितारों से लेकर उनके चाहने वालों ने विरोध जताया। इस बीच महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी विरोध जताते हुए कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। सुशांत सिंह राजपूत के पास बेपनाह दौलत और शोहरत थी, इसके बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना। एक्टर का निधन बॉलीवुड के लिए बड़ा नुकसान है। सुशांत ने कम समय में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। एक्टर ने कई दमदार किरदार निभा, सभी को इम्प्रेस किया था, लेकिन अब उनके चले जाने के बाद बड़े पर्दे पर उनकी एक्टिंग का वो जादू नहीं देखने को मिलेगा। उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो अधूरी रह गई हैं, एक्टर उन फिल्मों को पूरा नहीं कर पाए हैं, जैसे राइफल मैन। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म राइफल मैन में काम करने वाले थे। उन्होंने पिछले साल 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर इस फिल्म का ऐलान किया था। ये फिल्म 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध पर आधारित थी। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह का किरदार निभाने वाले थे। एमजेंस, सुशांत सिंह राजपूत आनंद गांधी की फिल्म एमजेंस में भी नजर आने वाले थे। एक्टर को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था। वैसे सुशांत से पहले इस फिल्म में इरफान खान को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब इरफान का निधन हो गया तब ये फिल्म सुशांत की झोली में आई थी। लेकिन अब जब सुशांत भी हमारे बीच नहीं है, ऐसे में फिल्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बता दें, ये फिल्म भी एक महामारी के ऊपर ही बनाई जा रही है। 12 एपिसोड की सीरीज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहते थे। एक्टर ने हमेशा लीक से हटकर काम किया था। ऐसे में एक्टर ने साल 2018 में इनसे वेंचर्स के साथ हाथ मिलाया था। वो इनसे वेंचर्स के फाउंडेशन के साथ मिलकर 12 एपिसोड की एक स्पेशल सीरीज बनाने जा रहे थे। सुशांत इस सीरीज में एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर चाणक्य तक कई रोल निभाने वाले थे। पानी, खबरें ऐसी भी आई थी कि शेखर कपूर अपनी फिल्म पानी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट कर रहे थे। फिल्म को लेकर काफी काम किया जा चुका था। सुशांत का नाम भी फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अंत में कुछ कारणों की वजह से यशराज फिल्म्स ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई। दिल बेचारा, दिल बेचारा एक ऐसी फिल्म है जो बनकर तैयार भी है और बड़े पर्दे पर रिलीज भी होने वाली है, लेकिन इस फिल्म की किस्मत पलटी कोरोना वायरस ने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। अब मुकेश छाबड़ा की ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में सुशांत के साथ
संजना सांघी नजर आने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या की। एक्टर एक डिलेक्स अपार्टमेंट में रहते थे, वहां कुल 4 फ्लैट हैं। सुशांत सिंह राजपूत उस अपार्टमेंट में रहने का मोटा किराया देते थे। एक तरफ सुशांत ने 12,90,000 रुपए का डिपॉजिट दिया था, तो वहीं वो महीने का 4,51,000 रुपए देते थे। सुशांत राजपूत इस फ्लैट में 2022 तक रहने वाले थे, लेकिन अब तो एक्टर उस फ्लैट को भी हमेशा के लिए सूना छोड़ गए हैं। पिछले 6 महीने से सुशांत डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। पटना में उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस बीच उनके परिवार के लिए एक मनहूस खबर आई कि सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।